subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world. Hello friends, मैं हूं चंचल और आपके लिए लेकर आई हूं ये रिश्ता क्या कहलाता है से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट, जहां पर आप देखने वाले हैं कि किस तरह से कायरव के सामने आने वाला है 8 साल पुराना राज और कार्तिक नायरा होंगे जी हाँ, आप देखने वाले हैं कि किस तरह से गोयनका हाउस के अंदर ढेर सारी शहनाइयाँ बजने वाली हैं और ये शहनाइयाँ होने वाली है खुशियों की, क्योंकि गायू देने वाली है एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़। दरअसल गायू प्रेग्नेंट हो गई है, जज्बात के चलते गोयनका हाउस में खुशियों का माहौल है। चारों तरफ खुशियाँ इतनी ज़्यादा है कि कार्तिक और नायरा डांस करते हुए नजर आते हैं और साथ ही फैमिली को भी अपने साथ नचाते हैं। इसके साथ ही दूसरी तरफ देखने को मिला कि लव और कुश दोनों ही अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, जहाँ पर लव और कुश की एक हरकत नायरा के सामने आ जाती है। नायरा को पता चलता है कि दोनों स्मोकिंग करते हैं, जिस बात को लेकर नायरा जैसे ही नायरा लव कुश से सवाल करती है कि तुम दोनों ने स्मोकिंग की है या फिर नहीं, वो दोनों झूठ बोल देते हैं और अपने इस झूठ में कायरव को भी ले लेते हैं। इसके साथ ही आपको अब अपडेट दे दें आने वाले एपिसोड्स की, तो आप देखने वाले हैं कि किस तरह से अब जल्द ही कायरव के सामने वो राज खुलने वाला है, जिसे सुनकर कार्तिक और नायरा भी काफी ज्यादा दंग रह जाएंगे। दरअसल कायरव भी डिमांड करने वाला है कार्तिक नायरा के सामने कि उसको भी एक छोटी बहन चाहिए। जिस बात को सुनकर कार्तिक नायरा अपसेट हो जाएंगे और अपनी पुरानी बातों को याद करने लगेंगे। अब ऐसे में देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा जब कायरव के सामने ये राज खुल जाएगा कि उसकी पहले से ही एक बहन थी जिसकी मौत हो गई है, तो इस बारे में जानकर कायरव कैसे रिएक्ट करेगा, क्या कुछ होगा आने वाली कहानी में। इस बात से जुड़ी तमाम अपडेट लेकर लौटेंगे आपके पास, पर तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल 24x7 ऑनलाइन न्यूज। निजम की रिपोर्ट। Subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world.